हमारे पृथ्वी के सबसे गर्म जगह यानी कि पृथ्वी का कोर, जिसका तापमान करीब 4400 से 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो हमारे पृथ्वी के सतह से यानी कि क्रस्ट से करीब 6300 किलोमीटर गहराई पर स्थित है। इस गर्म कोर का गुरुत्वाकर्षण बल हमारे पृथ्वी के सतह का गुरुत्वाकर्षण बल से भी 3 गुना ज्यादा ताकतवर है, जिसका अंदाजा आप लगा सकते हो। और आपको बता दूं, हर 1 अरब साल के बाद इस कोर का तापमान करीब 100 डिग्री सेल्सियस तक कम होता जा रहा है, पर यह कोर अभी भी बहुत ही ज्यादा गर्म है। आप क्या होगा अगर हमारे पृथ्वी के कोर से सारे हीट गायब हो जाए, यानी कि क्या होगा अगर ये कोर पूरी तरह से ठंडा हो जाए? इसी रोमांचक घटना को जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अब तक तो हम अपने रोजमर्रा के जिंदगी में ठीक थे, सब कुछ पहले जैसा चल रहा था, सभी लोग अपने अपने काम पर व्यस्त थे। इस पृथ्वी के वातावरण के साथ साथ पेड़ पक्षी जानवर सभी अपने जगह पर ठीक थे, क्योंकि पृथ्वी का कोर अभी तक गर्म था। अब इमेजिन कीजिए कि पृथ्वी के कोर से सारे हीट अचानक गायब हो गया है और ये गर्म कोर पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब जबकि पृथ्वी के अंदर से निकलने वाले हीट को एनर्जी की तरह कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये तो सबको पता है। कुछ कंपनीज पानी को हीट करने के लिए ऐसे एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं ताकि उससे स्टीम प्रोड्यूस किया जा सके, और उसी स्टीम से बड़े बड़े टर्बाइन्स को पावर दिया जाता है, जिससे बिजली का उत्पादन होता है। अब जैसे कि पृथ्वी के कोर से सारा हीट खत्म हो चुका है और ये कोर पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, जिसके कारण इस कोर से अब बिजली प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगा और इसके चलते पृथ्वी के कुछ जगहों में अंधेरा छा जाएगा। पर फिर भी ये मत भूलना कि अभी भी जितना इलेक्ट्रिसिटी स्टोर किया हुआ है, उस इलेक्ट्रिसिटी को आम इंसान इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब बिजली का भाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसके चलते फोन, कंप्यूटर, इंटरनेट जैसे चीज़ों को भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण इनका महंगाई भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पृथ्वी पर कई ऐसे चीज़ें हैं जिनकी वजह से यह लाइफ एग्जिस्ट कर पाता है, और उनमें से एक है जियो मैग्नेटिक फील्ड, जिसे इस पृथ्वी का शील्ड माना जाता है, जो हमें सूरज से लगातार आने वाले हाई चार्ज पार्टिकल्स के साथ हर तरह की स्पेस रेडिएशन से बचा के रखते हैं। और इसके चलते कोई भी सोलर रेडिएशन पृथ्वी पर जीवन बसाने के लिए हमारे वायुमंडल को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। और आप ये जान लो कि ये जियोमैग्नेटिक फील्ड हमारे पृथ्वी के कोर से ही बनता है। जैसे जैसे हमारे पृथ्वी घूमता है, वैसे वैसे पृथ्वी के आउटर कोर और इनर कोर अपने अलग अलग रफ्तार में घूमता है। इसी प्रोसेस के चलते इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है और यही करंट हमारे पृथ्वी के जियोमैग्नेटिक फील्ड को बनाते हैं। अब जबकि पृथ्वी का कोर पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, यानी कि इससे अब करंट पैदा नहीं हो पाएगा, और करंट नहीं होगा तो पृथ्वी का शील्ड यानी कि हमारे जियोमैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से टूट जाएगा। इस शील्ड का ना होना मतलब हमारे पृथ्वी का वायुमंडल ना होने के बराबर होगा, और तब अंतरिक्ष से सारे सोलर और कॉस्मिक रेडिएशन पृथ्वी के वायुमंडल से पास कर पाएगा, और इसके चलते सारे ट्रैफिक लाइट्स, टीवी, फोन, लैपटॉप, यहाँ तक कि सारे सैटेलाइट भी काम करना बंद कर देगा। अब इस रेडिएशन के चलते हमारे जीवन पर भी बहुत ही खतरनाक हमला होगा, जो हमारे डीएनए को प्रभावित करेगा और साथ ही कैंसर का शिकार बना देगा। और ये रेडिएशन हमारे पृथ्वी को बहुत ही ज्यादा गर्म बना देगा। अरोरा, जिसे पोलर लाइट्स, नॉर्दर्न लाइट्स या फिर साउदर्न लाइट्स भी कहा जाता है, ये वो नेचुरल लाइट्स होते हैं जिससे आप उच्च लेटिट्यूड क्षेत्र से खाली आसमान में देख सकते हैं। ये नेचुरल लाइट स्पेशली नॉर्थ पोल से ही दिखा जाता है। ये अरोरा तब होता है जब मैग्नेटिक लाइंस के साथ सोलर पार्टिकल्स मौजूद होता है, जो नॉर्थ से लेके साउथ तक फैल जाता है। अब जबकि पृथ्वी का कोर ठंडा हो चुका है, इसलिए ये नेचुरल लाइट्स यानी कि अरोरा सिर्फ नॉर्थ पोल पे ही नहीं बल्कि इस पूरे दुनिया से मिट जाएगा और इस धरती से नेचुरल लाइट्स को कभी दिखाई नहीं देंगे। उसी के साथ पृथ्वी का कोर ठंडा हो जाने के बाद टेक्टोनिक प्लेट्स का हिलना बंद हो जाएगा, जिससे इस पृथ्वी पर भूकंप का नाम और निशान मिट जाएगा। ये सुनकर आप इतना भी खुश मत होना, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने से ही नए कॉन्टिनेंट्स और लैंडमासेस का फॉर्मेशन होता है, और इन प्लेट्स से भी हमें काफी महत्वपूर्ण मिनरल्स मिलते हैं। उसी के साथ अगर टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट नहीं होगा तो फ्यूल को प्रोड्यूस करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब इस ठंडे कोर के वजह से इस पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा, क्योंकि इस ठंडे कोर से पानी, पत्थर, गैस और जमीनी चीजों को गर्मी नहीं मिलेगा,
उसी के साथ इस धरती पर ज्वालामुखी का विस्फोट यानी कि वोल्केनिक इरप्शन कभी भी नहीं होगा। अब इससे जो लोग एक्टिव वोल्केनोज के सामने रहते हैं उनके लिए ये काफी खुशखबर होगा। पर आपको बता दूं, वोल्केनोज भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ और मिनरल्स हमें देते हैं। खेती करने के लिए ज्वालामुखी का मिट्टी भी काफी महत्वपूर्ण होता है, जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब इस ठंडे कोर के चलते ज्यादातर लोगों को आर्टिफिशियल खाना खाने की आवश्यकता होगी। हमारे प्लैनेट्स के चारों तरफ सोलर विंड्स चलते रहते हैं। ये सोलर विंड्स भी काफी खतरनाक और ताकतवर होते हैं। अब जबकि पृथ्वी का कोर ठंडा हो चुका है और जियोमैग्नेटिक फील्ड भी पूरी तरह से टूट चुका है, अब बाहर से आने वाली इन अदृश्य शक्तियों द्वारा उन सोलर विंड्स को बड़े पैमाने पर डिफ्लेक्ट कर पाएगा और इनमें से कुछ हवा के झोंके पूरे पृथ्वी के नदियों और महासागरों को सुखाने में काफी ज्यादा ताकतवर होंगे, क्योंकि पहले हमारे गर्म कोर इन सोलर विंड से पृथ्वी को बचा के रखते थे। अब पृथ्वी का कोर ऐसा ठंडा हो जाने पर कोई भी इस धरती में ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे और ये पृथ्वी काफी हद तक मंगल ग्रह की तरह दिखने लगेगा, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये मंगल ग्रह भी पूरी तरह से सूखा पड़ा है और ये इसलिए ऐसा है क्योंकि मार्स का कोई मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप डरिएगा मत, क्योंकि ये सिर्फ एक काल्पनिक सोच है कि अगर पृथ्वी का कोर ठंडा हो जाए तो क्या होगा, और अगर वास्तव में ऐसा कुछ हुआ तो ये होने में कई अरबों साल लग जाएंगे। चलिए, अब आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी का कोर ठंडा हो जाने से क्या प्रभाव पड़ सकता है। अब यार, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में दिए गए घंटे को भी ऑन करके ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में इस वीडियो को अपने तरफ से शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छे और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।